गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम। एक बड़ी खबर आ रही है रिलेटेड टू समीर वांकडे, द रियल सिंगम। कौन है समीर वांकडे? आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे दूं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए है। समीर वांकडे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे मुंबई के, लेकिन अब उनका तबादला हो गया है। दिसंबर 31 लास्ट डे था एनसीबी में। एक उम्मीद जगी थी जब समीर वांकडे डेप्यूट हुए एनसीबी में, और सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरह से एक के बाद एक धर पकड़ रहे थे, लग रहा था कि जल्दी केस सॉल्व हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस, कितने ड्रग माफिया, कितने ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया गया समीर वांकडे द्वारा, ये जग जाहिर है। लेकिन देखिए, जिस तरह से किताबों में पढ़ा करते थे कि एक हीरो हुआ करता था, एक बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड था, और अब उसको ट्रांसफर कर दिया गया है DRI में। वजह, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के अरेस्ट के बाद जिस तरह से एक माहौल क्रिएट किया गया, बनाया गया अगेंस्ट समीर वांकडे, अब ट्रांसफर कर दिए गए हैं DRI दिल्ली। रिपोर्ट करेंगे मंडे से, ये खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, जिस तरह से आज तक हमने कई चीजें किताबों में ही पढ़ी थी कि किस तरह से एक जाबाज, एक जेन्युइन, एक ईमानदार अफसर अपने काम में किस तरह से मशरूफ होकर ईमानदारी से काम करता है, तो उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है। हालांकि DRI में ही थे पहले, और उसके बाद NCB में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद आए थे, लेकिन जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, नेगेटिव न्यूज को जबरदस्ती उनके अगेंस्ट में डाला गया, अब देखिए कि कहाँ पहुँच गए हैं DRI में। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी NCB में लोग जेन्युइन नहीं हैं, लेकिन एक उम्मीद जो जागी थी सुशांत सिंह राजपूत केस में, उसमें एक स्टेडीनेस या एक स्लोनेस आ गया है, मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन फिलहाल समीर वांकडे पर जो बड़ी खबर आई वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। इनके ऊपर कुछ और भी खबरें आएंगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। लेकिन NCB से समीर वांकडे का DRI जाना सुशांत सिंह राजपूत फैंस के लिए आई गेस एक शॉकिंग न्यूज होगा।